नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे साइज़ ऑफ क्रॉकरी इन द रेस्टोरेंट। क्रॉकरी मतलब क्या होता है? मतलब चाइनावेयर, प्लेट होती है, सूप बॉल, कप, सॉसर, ठीक है। तो इसका हम आज मेज़रमेंट जानेंगे। अब जो मेज़रमेंट है मैं आपको बोल सकता हूँ सीधा वर्बली, ठीक है। तो आप वर्बली नहीं करेंगे, हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली उसका मेज़रमेंट कैसे होता है। तो टैप के साथ हम इसको मेज़र करेंगे। प्लेट का मेज़रमेंट होगा डायमीटर में, और जिसमें लिक्विड फिलअप करते हैं जैसे कि सूप बॉल है या कप है, उसका मेज़रमेंट रहेगा ml में, ठीक है। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल के लिए। तभी मेज़र करते हैं हम लोग फुल प्लेट। जो फुल प्लेट है उसका मेज़रमेंट होगा डायमीटर में, क्योंकि राउंड शेप में आती है। तो मेज़र टैप से हम इसको यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 11 इंच तक चला गया, ठीक है। तो 11 इंच हम इसको काउंट करेंगे। तो जो फुल प्लेट होती है रेस्टोरेंट में उसकी साइज़ होती है 11 इंच डायमीटर। इसके बाद है हाफ प्लेट। तो हाफ प्लेट को मेज़र करते हैं हम लोग, उसकी साइज़ है कितनी हुई अभी, साइज़ हो गई उसकी ऑलमोस्ट 9.5 से ऊपर है, थोड़ा सा 9.5 इंच, ठीक है। तो इसको 10 इंच हम स्टैंडर्ड साइज़ हम समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, लेकिन इसके बाद है क्वार्टर प्लेट, ठीक है। क्वार्टर प्लेट जो यूज़ में आती है, ब्रेड एंड बटर प्लेट भी बोलते हैं इसको, BNB भी बोलते हैं, 8 इंच। इसके बाद आ गया सूप बॉल का सॉसर है, ये सूप बॉल सॉसर की साइज़ है ऑलमोस्ट 7 इंच डायमीटर, ठीक है। राउंड शेप है इसलिए डायमीटर, 7 इंच डायमीटर। इसके बाद सूप बॉल जो है उसको औंस में या तो ml में मेज़र करते हैं, इसको बाद में करेंगे हम, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उसका मेज़रमेंट दिखेगा आपको। इससे पहले जो हम डायमीटर में मेज़र करेंगे इसको देख लेते हैं। कप सॉसर आया, ठीक है। कप का जो नीचे हम रखते हैं सॉसर, उसकी साइज़ होती है एग्जैक्ट 6 इंच डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो प्लेट्स है उसका साइज़। अभी हम मेज़र करेंगे किसको, सूप बॉल एंड कप। तभी हम देखते हैं सूप बॉल को, ठीक है। तो लास्ट बार एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। 10 इंच हाफ प्लेट, 8 इंच क्वार्टर प्लेट, 7 इंच सूप सॉसर, मतलब सूप बॉल सॉसर, ठीक है। इसको हम मेज़र करके 150 ml यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मैंने मेज़र कर चुका हूँ इसको। इसका 120 ml वो कैसे हुआ है उसका वीडियो आगे देखेंगे। और ये जो है टी कप सॉसर, उसकी साइज़ है 6 इंच डायमीटर, और फुल प्लेट का था 11 इंच डायमीटर, ठीक है। तभी मेज़र करेंगे हम सूप बॉल। अब सूप बॉल को मेज़र करने के लिए हमको ml में मेज़र करना पड़ेगा। तो 30 ml का जो शॉट ग्लास लेंगे हम, तो एक शॉट ग्लास डालने से 30 ml हो जाएगा। तो अभी हमने पहला डाल रहे, ये हो गया 30 ml, ठीक है। अभी दूसरा डालेंगे तो ये हो गया अपना 60 ml। इसके बाद तीसरा डालने से हो जाएगा 90 ml। अभी120 ml। अभी ये भर के डालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 150 ml, और ये अपना सूप बॉल है भर गया, ठीक है। तो 150 ml का साइज़ होती है सूप बॉल की। अभी सेम हम कप को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो कप की साइज़ क्या होती है उसको भी सेम 30 ml शॉट से हम मेज़र करेंगे। तो अभी डालते हैं पहला शॉट ग्लास 30 ml का, ठीक है। तो हम कितना शॉट ग्लास डाल सकते हैं हम इसके अंदर वो देखते हैं। तो अभी डाल रहे हैं पहला शॉट, ये हो गया हमारा 30 ml, ठीक है। इसके बाद यह है 60 ml, इसके बाद ये हो जाएगा 90 ml, ठीक है। 150 ml अपना था सूप बॉल का, और अभी है कप का, इसको डालेंगे तो हो जाएगा 120 ml। तो कप की साइज़ होती है 120 ml। तो ये हो गया हमारा मेज़रमेंट ऑफ क्रॉकरी, साइज़ ऑफ क्रॉकरी।
आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे. इफ़ यू लर्न, प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू.